हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिल्पास चैनल। आज हम बनाएंगे नायलॉन खमण, जो गुजरात के फेमस नाश्ता है। तो घर पे ही वो कैसे बनते हैं वो आज हम दिखाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं रेसिपी को। तो इसके लिए हमने लिया है ये बेसन, ये लगभग 200 ग्राम बेसन लिया है मैंने इस कप से नाप के, या फिर कोई भी कटोरी से नाप लीजिए आप। अब हम इसको छान लेंगे। यहाँ पे बेसन को छानना बहुत ही जरूरी है, तो इस तरह से बेसन हमेशा छान के ही लीजिए। अब हम एक बाउल में 1 से 1.5 कटोरी पानी लेंगे। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे। हल्दी एकदम पिंच ऑफ डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। साथ में नमक डालेंगे 1/2 चम्मच, और ये हमने लिए है नींबू का सत, जो 1 टेबलस्पून यानी कि 5 से 7 ग्राम है, या तो फिर आप अपने घर की जो रेगुलर चम्मच है उतना ले सकते हो, 1 चम्मच। साथ में हमने डाली है शक्कर 3 से 4 चम्मच, ये हमने शक्कर का बूरा लिया है। अब इन सारी चीज़ को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारे नींबू के फूल और शक्कर सब मिक्स हो जाए, बराबर गल जाए। अब हम डालेंगे तेल 2 टेबलस्पून, इसे भी हम अच्छे से फेंट लेंगे। अब हम जो बेसन छान के तैयार किया है उसको थोड़ा थोड़ा इस पानी में ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसको मिक्स करना है, सारा बेसन एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो लम्स बन जाएंगे, गट्ठे बन जाएंगे इसके। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। हमने गैस पे कुकर रखा है, जिसमें हम 2 ग्लास इतना पानी डालेंगे। और इस तरह का स्टैंड है मटके का, वो हम इसके अंदर रख देंगे। और एक मैंने केक टिन लिया है, जिसके अंदर हम हमारे खमण बनाएंगे। तो इसके लिए हमें हमेशा गहरा बर्तन ही लेना है, या तो आप ये कुकर का के साथ जो डब्बे आते हैं वो भी उपयोग कर सकते हो। तो अभी मैं ये टिन में ही बना रही हूँ। तो पहले इसको ऑयल लगा देना है, जिससे हमारे खमण आराम से बाहर निकल जाए। अब हम ये पानी गर्म हो चुका है, तो ये कुकर के अंदर इसको रख देंगे। और इसको चारों तरफ से हमारी स्टीम लगनी चाहिए, उतना बड़ा बर्तन लेना है आपको। अब एक कटोरी में हम सोडा लेंगे, लगभग 1 चम्मच सोडा लिया है हमने, और उसमें 2 चम्मच जितना पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। सोडा बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है, थोड़ा भी दाना नहीं रहना चाहिए इसका, नहीं तो आपके खमण ठीक से नहीं बनेंगे। अब इस सोडा को हम हमारा जो बैटर है बेसन का उसके अंदर डालेंगे, और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हमें जब फेंटते टाइम एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, इसी तरह से। अगर आप पानी कम लगे तो थोड़ा डाल सकते हो। ये हमारा जो खीरा है वो ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं। अब ये हमने जो हमारा बैटर है वो टिन के अंदर डाल दिया है, और हम अब हमने एक किचन टॉवल लिया है और इसके ऊपर अंदर थाली को लपेट लिया है, और अब हम हमारे जो खमण बन रहे हैं उसके ऊपर ढक दिया है। हमें इस खमण को 20 मिनट तक पकाना है, इसको बार बार खोलना नहीं है बिल्कुल भी। 20 मिनट होने के बाद हम इसको निकाल के चेक करेंगे। तो 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम एक चाकू की मदद से इसको अंदर डाल के चेक करेंगे। ये हमारा चाकू क्लियर आ रहा है, इसका मतलब कि अच्छे से पक गए हैं। तो अभी इसको 1/2 घंटे के लिए ठंडा होना देना है। अब हमारे खमण ठंडे होके रेडी हो गए हैं, तो अब हम इसे काटेंगे। आप अपने पसंद के अनुसार इसे छोटे या बड़े पीस कर सकते हो।
तो हमने अभी इसको इस तरह से काट लिए है। अब हम दूसरे बर्तन में इसको इस तरह से पलटा के निकालना है, इसको ऐसे उल्टा कर दे। और ये देखिए हमारे खमण बन के रेडी हो चुके हैं, एकदम जालीदार खमण बने हैं, सॉफ्ट, आप देख सकते हैं एकदम स्पंज की तरह है। अब हम इसको तड़का लगाएंगे जिससे ये ज़्यादा स्पंजी बनेंगे, ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। चलिए हम देखते हैं आगे। एक तपेली में हमने 2 से 3 चम्मच तेल रखा है। तेल गर्म होता है तो हम उसके अंदर डालेंगे राई 1 छोटी चम्मच। राई फूटने लगे तो हम डालेंगे मीठे नीम के पत्ते, हरी मिर्चें 5 से 6 काट के डाली है हमने, साथ में डालेंगे हींग 1/2 चम्मच। और लगभग 1 चम्मच तिल डाले हैं हमने। और हम डालेंगे 1/2 ग्लास पानी। अब हमें इस तड़के को अच्छे से उबालना है। अब नायलॉन खमण जो होते हैं वो मीठे होते हैं, तो हमें इस तड़के में भी शुगर डालनी है 2 चम्मच। और ये पानी के हिस्से का ही हमें नमक डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, 1/2 चम्मच से भी कम डालना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला ले और इसे उबलने देते हैं। और ये हमारा तड़का बनके रेडी हो गया है। अब हम गैस बंद करके इसे नीचे उतार लेंगे। और ये हमने जो खमण बना के रेडी किए हैं उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये जो हमारा पानी वाला तड़का है वो डालने से हमारे जो खमण है वो एकदम सॉफ्ट बनेंगे और उसकी जो अंदर जाली बनी है वो ज़्यादा खिल के बाहर आएगी। तो थोड़ा थोड़ा करके सारा तड़का हमने इसके ऊपर डालना है और इसे 15 से 20 मिनट के बाद ही हमें सर्व करना है, ताकि हमारे खमण जो तड़का हमने डाला है पानी वाला वो अच्छे से सोख ले। और अब हम इसे धनिया डाल के सजाएंगे और हमारे नायलॉन खमण बन के रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हो कितने अच्छे मार्केट जैसे ही बिल्कुल सॉफ्ट जालीदार बने हैं हमारे खमण। तो आप भी इसी तरह घर पे ही खमण बनाए और आपके खमण कैसे बने वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।